नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, बीएससी लास्ट ईयर की फिजिक्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेकंड फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए पैकिंग घनत्व का अर्थ समझाइए। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊँगा कि आपको यह क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन में आ जाते प्रश्न बहुत सॉरी पेपर में आता है, तो आप इस किसी बहुत ही इजीली तरीके से आप इसे अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, पैकिंग घनत्व का मतलब क्या है? उसमें जो यूनिट सेल में परमाणुओं का आयतन होता है अपॉन में यूनिट सेल का आयतन होता है, तो दोनों को हमें निकालना होता है। तो यही परिभाषा हमने लिखा दी कि किसी क्रिस्टल के एक यूनिट सेल में परमाणु अथवा अणुओं के आयतन तथा यूनिट सेल के कुल आयतन के अनुपात को उसका पैकिंग घनत्व कहते हैं। जैसे कि लिखा है, या यूनिट सेल में परमाणु का आयतन अपॉन यूनिट सेल का आयतन, इसमें क्या यूनिट परमाणु का आयतन है और इसमें यूनिट सेल का आयतन है, तो इसमें हमें परमाणु का आयतन ज्ञात करना है और इसमें आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये कितने प्रकार की होती हैं, ये तो दोस्तों ये निम्न प्रकार की होती है, तीन प्रकार के हमने यहाँ डिफाइन किया है, सरल घनाकार लेटिस, और एक होता है फलक केंद्रित घनाकार, और एक लास्ट होता है हमारा अंतः केंद्रित घनाकार। तो दोस्तों, सरल घनाकार लेटिस में प्रत्येक यूनिट में लेटिस बिंदु अर्थात परमाणु की संख्या एन बराबर एक होती है। तो सभी को पता है एन बराबर वन क्यों होती है इसमें, क्योंकि जो सरल घनाकार कोष्ठिका में घन के 8 कोर होते हैं और इसके जो फलक पर कोई परमाणु नहीं होता है, तो ये किस प्रकार से बनता है? तो इसके कोर इसके जो 1/8 भाग विशिष्ट एक कोष्ठिका से संबंधित होता है, चूँकि प्रत्येक घनीय एक कोष्ठिका में 8 कोण होते हैं, तो इसके 8 कोण होंगे, तो हम इसका करेंगे 8, इसके केंद्र में कोई नहीं होता तो 8 इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। एन बराबर कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। तो यूनिट सेल में परमाणु का आयतन, तो वी बराबर 1, ये वाला 1 रख लिया ना, 1 × 4/3 φr³। तो φr³ यहाँ से तो क्या परमाणु घनाकार आयतन निकल गया, तो आयतन है तो इसकी त्रिज्या भी होगी, भुजा भी होगी, क्योंकि आयतन है तो इसकी त्रिज्या भुजा भी निकालना जरूरी है। चलिए, तो जहाँ आर बराबर परमाणु की त्रिज्या इसकी जो यूनिट सेल में परमाणु का आयतन होता है उसमें आर बराबर a/2 है, ठीक है इसकी, तो a बराबर निकालेंगे हम तो 2r हो जाए, a इधर जाएगा, इसका भाग हो रहा है इधर, गुणा हो जाएगा 2r आ जाएगा। तो यूनिट सेल का आयतन, तो हमने त्रिज्या और भुजा निकाल ली है इसकी, तो हम इसका आयतन निकाल लेते हैं यूनिट सेल का। परमाणु का आयतन हमने ऑलरेडी पहले से निकाल रखा है। चलिए, यूनिट सेल का आयतन निकालेंगे तो वी बराबर eq हो जाएगा इसका आयतन। आयतन का आपको सूत्र पता होगा, याद रखना पड़ेगा ये सूत्र आपको, ये वाला और ये वाला, तीनों सूत्र याद रखने पड़ेंगे, यही से इस क्वेश्चन ये पैकिंग घनत्व वाला पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लेंगे आप eq, आप इसकी जगह आप यहाँ पर इसे रखेंगे a = 2r रखेंगे, ठीक है। तो 2r ये कैसा होगा, 8r³ हो जाएगा। अब क्या हमारा सूत्र क्या था, यूनिट सेल में परमाणु का आयतन, तो यूनिट सेल में ने परमाणु का आयतन निकाल लिया है और यूनिट सेल का आयतन भी हमने निकाल लिया है, तो दोनों को हम यहाँ पर हमने रख लिया, यूनिट सेल की परमाणु का आयतन और अपॉन में लिख लिया है यूनिट सेल का आयतन। तो दोनों को जैसे r³ से r³ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, 5/6 आ जाएगा। चलिए, अब बताते हैं आपको फलक केंद्र घनाकार लेटिस में क्या होता है, इसे भी आप इसी प्रकार से हल कर पाएंगे, ठीक है। फलक केंद्र, तो इसमें आपको फलक केंद्र घनाकार लेटिस में प्रत्येक सेल में परमाणु की संख्या n = 4 होती है। तो दोस्तों, इसमें n = 4 होती है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है, ये परमाणु संख्या n = 4 होती है। अगर मैं बताऊंगा उस प्रकार से n = उसमें 1 आया था, तो इसमें भी बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। यूनिट सेल में परमाणु का आयतन, तो दोस्तों यूनिट सेल में परमाणु का आयतन इसमें क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर v = 4, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 4 है, इससे सॉल्व करेंगे 4 × 16/3 φr³ हो जाएगा। अब हम निकालना है क्या, यूनिट सेल का आयतन निकालना है। तो पहले यूनिट सेल का आयतन निकालने के लिए भुजा और उसकी त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, तभी हम आयतन निकाल पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसकी हम क्या कर लेते हैं, यूनिट सेल की भुजा बराबर क्या हो जाएगी, r = a/2√2 है, और उसकी भुजा थी, उसकी त्रिज्या थी वो r = a/2 थी, r = a/2 थी, और इसकी क्या हो गई, a/2√2 हो गया, इसमें √2 हमने
इसमें आ गई, ठीक है। यहाँ से ए का मान निकालेंगे, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगी, आर, यहाँ से इसमें इंटू हो जाएगा, टू अंडर रूट टू हो जाएगा। अब यूनिट सेल का आयतन भी बराबर ए क्यू होता है, सभी को पता है यूनिट सेल का जो आयतन होता है भी बराबर ए क्यू होता है। तो ए क्यू होता है, तो ए क्यू की जगह हम मान रख देंगे, ये वाला मान रख देंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, ये नहीं लिखा है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो आर क्यू हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे दो दो, इसका सॉल्व करेंगे तो आठ टू अंडर रूट टू हो जाएगा, ठीक है। आठ इंटू टू अंडर रूट टू हो जाएगा, इसे इसका क्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका क्यू करेंगे दो दून चार दून आठ हो जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे क्यू तो एक बार टू हो जाएगा, फिर इसके बाद दोबारा इसका अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका क्या करना, हमें पैंकिंग घनत्व निकालना है। पैंकिंग घनत्व कैसे कैसे निकालते हैं हम, यूनिट सेल में परमाणु का आयतन करते हैं और यूनिट सेल का आयतन करते हैं। तो दोनों का अपॉन में देखिए, 16^5 आर क्यू आर टू अंडर रूट टू, इसे कर दिया, ठीक है, कर दिया हमने। यहाँ से देखो ना आप, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा टोटल, यहाँ पर हम लिख के बता देते हैं आपको सही से, 16^5 आर टू अंडर रूट टू हो जाएगा, आठ दूनी 16, ठीक है। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पाई ऊपर बचा है और नीचे टी थ्री अंडर रूट टू बचा है। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा पैंकिंग फलक फलक केंद्रित घनाकार हो गया। जब हम एन बराबर 4 मानेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइव थ्री अंडर रूट टू अंडर टू आ जाएगा। जब हमने एन बराबर 1 माना तो हमारा फाइव बराबर फाइव अपॉन 6 आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मान लेंगे, ठीक है। फलक केंद्रित घनाकार में आपको ध्यान रखना है एन बराबर 4 रखना है, क्योंकि जो फलक केंद्रित घनाकार है उसमें एन बराबर 4 होता है, और सरल घनाकार है उसमें एन बराबर 1 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट है हमारा अंतः केंद्रित घनाकार लेटिस, जो इसमें अंतः केंद्रित है उसमें जो लेटेस्ट यूनिट सेल की परमाणु संख्या होती है वो एन बराबर 2 होती है। अब उसमें हम यूनिट सेल में परमाणु का आयतन निकालेंगे तो इस प्रकार से हम रख देंगे 2×4^3 r³, तो इसे हम सॉल्व करेंगे 5 r³ हो जाएगा। अब इसमें जो त्रिज्या होती है दोस्तों, वो त्रिज्या आर बराबर √3a/4 होती है, इसे आपको ध्यान रखना होगा, आर बराबर √3/4 होती है। तो यूनिट सेल की भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर ये इधर चला जाए, क्रॉस हो जाए मल्टीपल हो इसका, इसे गुणा इंटू हो जाएगा, ठीक है, 4r हो जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। अब यूनिट सेल का आयतन निकालेंगे, इसका आयतन करेंगे तो 4r, इसका करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 r³, और इसका 3√3 हो जाएगा, ठीक है। √3 का क्यू निकालेंगे तो 3√3 हो जाएगा। अब पैंकिंग घनत्व निकालेंगे तो इसका अपॉन में कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार का 5/√3। चलिए इसे सॉल्व करके बता दो, तो देखिए 8/3 r³ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये संख्या पलट जाएगी तो 3/3 64/r³ हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए 8 से 8 8 64 कर दिए, 3 से 3 कैंसिल, आर से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5√3 बचा और नीचे 8 बचा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पैंकिंग घनत्व लास्ट वाला था अंतः केंद्रित घनत्व, तो आपको ध्यान रखना है अंतः केंद्रित घनत्व में आपको n बराबर टू मानना है, और फलक केंद्र में n = 4 मानना है, और जो आपका सरल घनाकार उसमें n = 1 मानना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी आपको डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी समस्या हल करने में की कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद दोस्तों।